ये है आलू का ज़बरदस्त सब्जी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये कोई भी पराठा के साथ एकदम जम जाता है और बहुत ही बढ़िया एकदम ज़बरदस्त आलू का सब्जी है। और साथ में है ये लच्छा पराठा, आप लोग देख सकते हो। लच्छा पराठा का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक एक पार्ट इसका एकदम निकल गया है, आप देख सकते हो लच्छा पराठा का, और एकदम नरम है, मुलायम है, आप देख सकते हो ऐसा। और साथ में है ये आलू का सब्जी, तो आलू का सब्जी है आज का मेन। तो लच्छा पराठा हमने साइड में रखा है, तो लच्छा पराठा का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेन रेसिपी है आलू का सब्जी, तो चलिए आलू का सब्जी कैसा बनाया है देख लेते हैं। नमस्कार, सिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होते हैं जैसा कि घर में कोई भी वेजिटेबल नहीं रहते हैं, जैसा ख़त्म हो जाते हैं, तभी हमें सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो आलू और प्याज घर में रहेगा तो कोई भी सब्जी बन सकता है। आलू, प्याज और दाल, ये तीन चीज़ घर में रहेगा तो बहुत सारे आप आइटम घर में बना सकते हो, वैरायटी बना सकते हो। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के एक ज़बरदस्त सब्जी, वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं और खाने में एकदम टेस्टी बनते हैं। तो आज हम आलू का सब्जी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एकदम अलग तरीके से हम बना रहे हैं। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तब यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा हम कैसा बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम एक बाउल ले लिए हैं, बाउल में हम एक चम्मच दही डाल दिए हैं, ये हमने एक चम्मच भर के दही लिए हैं और इसमें हम एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। पहले हम हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं, अभी हम ऐड करेंगे गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, ये भी हम ऐड कर दिए हैं, और हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं, और हम हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं, और हमें लगेगा हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और हमें लगेगा हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर। तो ये हम सारे मसाला ऐड कर दिए हैं और थोड़े से हम नमक डालते हैं, नमक डाल के सारे चीज़ें हम अच्छी तरह मिला देते हैं। स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है, डाल के इसका एक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करते हैं, तो हम 2 टेबलस्पून जैसा पानी हमने ऐड कर दिया, और भी हम थोड़ा सा डालते हैं पानी, डाल के इसका एक मसाला अच्छी तरह फेंट के ले लेते हैं, दही के साथ में मिला देते हैं अच्छी तरह मसाला को। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ये दही के साथ आप जो मसाला ऐसा मिक्स करोगे ना, इसका टेस्ट एकदम 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आलू के सब्जी ये किसी के साथ भी आप खा सकते हो। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल में नए हो, आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है हमारा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नए नए वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखिए ये हमारा हो गया है मिक्स करके, अभी हम इसे साइड करके रख देते हैं, अभी गैस चालू करते हैं। तो मसाला तो हमने तैयार कर लिए है दही के साथ में, ये हम साइड कर देते हैं, और हमने आलू लिए हैं, तो ये आलू हमने ले लिए हैं। आलू हमने 400 ग्राम आलू लिए हैं, आलू को बॉईल करके ले लिए हैं, आप देख सकते हो, ये हमने हल्दी और नमक डाल के बॉईल करके लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गैस चालू करते हैं। तो गैस चालू करके हमने कढ़ाई बिठा दिया है, कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल डाला, तेल गर्म हो गया है, पहले हम प्याज को ब्राउन करके ले लेते हैं।
प्याज जल्दी ब्राउन होने के लिए और सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़े से नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा, इसीलिए हम डाला है। अब देख सकते हो प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अभी हम प्याज को अलग बर्तन में निकाल के ले लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम उसमें एक चुटकी जीरा डाल देते हैं। पहले जीरा को थोड़ा सा तड़कने देते हैं अच्छी तरह, एकदम ब्राउन करके हो जाएगा। तभी हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिल्ली, ये हम ऐड कर दिए हैं, और ये लहसुन, ये भी हम ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह हम ब्राउन करके भून लेते हैं मसाला को। तो ग्रीन चिल्ली लहसुन लाल हो गया है, अभी हम ये जो मिक्स किया हुआ मसाला ये हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छी तरह ब्राउन करके भून लेते हैं मसाला को तेल में। तो अभी हम ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी, ये हम ऐड कर देते हैं। दे के मसाला के साथ में अच्छी तरह भूनना है ये भी। तो मसाला अच्छी तरह देखिए तेल छोड़ दिए हैं और ये मसाला भून के हो गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं आलू, आलू को भी मसाला के साथ में हम अच्छी तरह मसाला के साथ में आलू अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम डाल देते हैं मसाला का जो पानी, ये हम ऐड कर देते हैं। देखिए हम मिला देते हैं अच्छी तरह। तो आलू का सब्जी को अच्छी तरह बॉईल आ गया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं ये भुना हुआ जो प्याज हमने भून के रखा था, ये हम ऐड कर देते हैं। देखिए अच्छी तरह हम मिला देते हैं और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम में रखना है, मीडियम से भी स्लो रखिएगा। और इसी तरह लास्ट में ऐसा ऑनियन को मिक्स करना है। तो ऑनियन मिक्स कर दिया है, अभी हम ये हरी धनिया ये हम मिक्स कर देते हैं। आप इस टेस्ट में कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमने हरी धनिया मिक्स कर दिया है और हम ऊपर से थोड़े से ये मक्खन हम डाल दिए हैं, यानी कि बाटर ये हम डाल दिए हैं। डाल के हम थोड़ी सी ढक्कन लगा के रख देंगे। ये आलू का सब्जी एकदम तैयार हो गया है, आप देख सकते हो, और प्लेटिंग करके मिलते हैं। आलू का सब्जी हमारा एकदम तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हो। देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही टेस्टी है। और साइड में हमने ये लच्छा पराठा रखा है, आप देख सकते हो। लच्छा पराठा हमने घर में बनाया है, आप लोगों के शेयर नहीं किया है। तो आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लच्छा पराठा कैसा बनाया जाता है, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए एक एक लच्छा इसका निकाल के आते हैं और इतना ही नरम है, देखिए एकदम मुट्ठी में आ जाता है। तो ये आलू के सब्जी के साथ तो एकदम जम जाता है। तो आप लोग ज़रूर घर पर एक बार ट्राई कीजिएगा, आलू का सब्जी बहुत ही बढ़िया बनता है। तो आप लोग बनाइए, खाइए, खा के कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। हमारे साथ इतना टाइम वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।